नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अपने पिछले सेशन में हमने हठ प्रदीपिका में यम, नियम और आसन इस पर चर्चा की थी, और अपने पिछले व्याख्यान में हमने यम और नियम पर चर्चा की। मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यम पर चर्चा कर चुके हैं, नियम पर भी हमने चर्चा की है, लेकिन कुछ अंश बचा हुआ है नियम पर, जिसे हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हठ प्रदीपिका के अंतर्गत जो आसन है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम आसनों के प्रकार क्या क्या हैं वो आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार प्रचलन में जो आसन आप करते हैं और हठ प्रदीपिका में जो आसन दिए गए हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं, क्या समानताएं हैं, और वो एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, कौन से आसन सही हैं। आपको कई बार मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हम आपको इस प्रश्न का भी जवाब देंगे कि किस प्रकार का आसन आपके लिए उपयोगी है, बताना चाहेंगे। इस सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य। डॉक्टर सोमवीर आर्य योग विशेषज्ञ हैं। सीसी के लाइव सेशंस के माध्यम से आप सभी को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि वो छात्र छात्राएं, वो युवाएं या फिर किसी भी वर्ग के आप क्यों ना हो, अगर आप योग विषय के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस प्रकार आप अपने लिए एक बेहतर करियर योग को शामिल कर ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हमारे सोमवीर आर्य जी का, और बताना चाहेंगे अगर आप इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमसे हमारे स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 1800-1104300। नंबर पुनः नोट कर लें, 1800-1104300। तो आइए सोमवीर जी का स्वागत करते हैं और आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। सोमवीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हठ प्रदीपिका भाग दो के इस व्याख्यान में। इसमें हम पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से 10 नियम की चर्चा है, किस प्रकार से 10 यम की चर्चा स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में की है, और किस प्रकार से आसनों का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, किस प्रकार से उनके प्रकार बताए हैं, किस प्रकार की विधि बताई है, किस प्रकार दैनिक प्रचलन के आसनों से उनमें भिन्नता है, किस प्रकार की उनमें समानता है, उस विषयों पे हम इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए आपके सामने हम व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले व्याख्यान में हमने जो नियम है 10 यम हमने पढ़े थे, और 10 नियम हमने पढ़े थे, तो उन 10 नियमों में 2 नियम हमारे बचते हैं, उसमें हम 2 नियमों की चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। जो 9वां जो नियम है वो तप कहा गया है स्वामी स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग। तप क्या है? तप जैसे द्वंद्वों को सहना, तप का अर्थ यहाँ पे दंभ से भी लिया गया है। दंभ को भी आप यहाँ मानेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में कि तप या दंभ, दंभ और तप एक ही चीज है अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम। तो दंभ आए तो भी वो नियम के अंतर्गत है, तप आए वो भी आपका नियम के अंतर्गत है, और वो तप आएगा तो तप द्वंद्वों को सहन करना, दंभ भी इसी प्रकार से जब हम कष्ट होते हैं हमारे को किसी प्रकार के, उन कष्टों को बगैर किसी प्रकार के भाव के उनको सहना, किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पे नहीं आता, समभाव यदि आप रहते हैं तो उसको भी दंभ कहा गया है। और वही तप कहा गया है कि किस प्रकार से शालीनता से आप भूख प्यास को सहन कर रहे हैं, शालीनता से आप गर्मी सर्दी को सहन कर रहे हैं, शालीनता से आप जय पराजय को सहन कर रहे हैं, लाभ हानि को आप आसानी से सहन कर रहे हैं। इस प्रकार से जितनी भी ये द्वंद्व होते हैं जीवन में, समानताएं विषमताएं होती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता जब हमारे जीवन में होती है उसको कितने अच्छे प्रकार से आप हैंडल करते हैं, कितने अच्छे प्रकार से उसको सहन करते हैं, उसको तप कहा गया है। उसके बाद 10वां जो उनका नियम है वो हवन कहा गया है। हवन का अर्थ है जैसे हम डेली रूटीन में हम लेते हैं, यज्ञ को हम कहते हैं हवन। यज्ञ होता है जिसको हम कहते हैं कि यज्ञीय कर्म। वेदों में भी उक्ति आती है, उपनिषदों में भी आता है वर्णन, हमारे दर्शनों में भी आता है कि यज्ञीय जीवन होना चाहिए। एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? यज्ञीय जीवन। यज्ञीय जीवन का अर्थ है यज्ञ के प्रकार का जीवन उसका होना चाहिए। किस प्रकार यज्ञ, किस प्रकार होता है यज्ञ में, किस प्रकार की चीजें होती हैं यज्ञ में? वेद के मंत्र बोले जाते हैं, आहुति दी जाती है घी की सामग्री की, बहुत अच्छी सुगंधित सामग्री उसमें होती है, बहुत अच्छी पुष्टिकारक सामग्री उसमें होती है, बलकारक सामग्री उसमें होती है, उसमें औषधीय सामग्री उसमें होती है। वेद के मंत्रों का पाठ होता है, शुद्ध देसी घी का प्रयोग उसमें किया जाता है, और वो शुद्ध देसी घी सामग्री जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप मिल करके और वेद के मंत्रों का पाठ करके उसमें स्वाहा कहते हैं, और मंत्र के साथ कहते हैं इदं न मम, कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है,
और यज्ञ का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया, यज्ञम वही श्रेष्ठम कर्मम, यज्ञ संसार के सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म है। और वो किस प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे हमने शरीर की शुद्धि करनी है तो हम शरीर को स्नान हम करते हैं, मन की शुद्धि यदि हमें करनी है तो हम सत्य बोलते हैं, पर्यावरण की शुद्धि यदि हमें करनी होती है तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, धन की शुद्धि करनी होती है तो हम दान आदि जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, और यदि पूरे ब्रह्मांड की शुद्धि करनी है, पूरे विश्व को हमने शुद्ध करना है, परिष्कृत करना है, तो हम यज्ञ करते हैं, उसके लिए यज्ञ कहा गया है। इसलिए यज्ञम व श्रेष्ठम कर्मम की बात कही गई है, यज्ञ संसार के सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ में जिस प्रकार से अग्नि का उसमें प्रचलन है, देव यज्ञ की मैं बात यहां कर रहा हूं, वैसे पांच प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, लेकिन जो देव यज्ञ है उसमें अग्नि का प्रावधान है कि उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, घी की आहुति दी जाती है, सामग्री की आहुति दी जाती है, मीठे पदार्थों की आहुति दी जाती है। उसका बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि बहुत सारा घी इसमें क्यों वेस्ट किया जाए, बहुत सारी अच्छी जो सामग्री है उसको, बहुत अच्छा जो पुष्टिकारक जो बलकारक जो सामग्री है उसको क्यों ना खाया जाए, क्यों उसको अग्नि में वेस्ट किया जा रहा है। वो जो वेस्ट समझते हैं उसको मैं थोड़ा सा साइंस समझाना चाहता हूँ। यहाँ अग्नि का क्या स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, और उस जले हुई चीज़ को छोटे छोटे अणु में विभक्त करके पूरे वायुमंडल में फैला देना, उसका स्वभाव है। यदि आपने अग्नि में कपड़ा डाला तो उसकी भी दुर्गंध फैलेगी, उसको भी वो जलाएगी। अग्नि में आपने घी डाला, उसको वो सुगंधित चीज़ है, उसको भी वो उतना ही व्यापक फैलाएगी। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि एक किलोग्राम या आधा किलोग्राम या 500 ग्राम जो घी है आपका, उसमें डालने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसने उतने से 10 व्यक्तियों का खाना बन सकता है। वो ठीक कहते हैं, 10 व्यक्तियों का खाना बन सकता है, परंतु उन व्यक्तियों की तृप्ति हो सकती है 10 की। लेकिन यदि आधा किलो घी का या आप 1 किलो घी का यदि आप यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से वो असंख्य है, यानी कि काउंट नहीं कर सकते, इतने प्राणियों को सुगंधि प्रदान करता है, इतने व्यक्तियों को सुगंधि प्रदान करता है, जीव जंतुओं को सुगंधि प्रदान करता है। और यज्ञ संसार के श्रेष्ठ कर्मों में इसलिए भी कहा गया है कि कोई आपका मित्र आपके पास है उसको भी वो सुगंध आ रही है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका अपरिचित है उसको भी वो सुगंध आ रही है, बगैर किसी भेदभाव के। कोई प्राणी है, कोई कष्टकर जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसको भी वो सुगंध मिल रही है बिना भेदभाव के, और हमें भी वो सुगंध मिल रही है। इस प्रकार से वो बगैर किसी भेदभाव के, किसी पार्शियलिटी के काम करने वाला काम है यज्ञ कर्म। इसलिए कहा गया कि नियम, यानी कि हमारा जो जीवन है उसमें नियम को, हवन को इसीलिए रखा है कि यज्ञ कर्म हमारे होने चाहिए, अच्छे कर्म हमारे होने चाहिए, समाज में हम किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं वो प्रिंसिपल्स में काम आता है। यदि समाज को उन्नत बनाना है तो इस प्रकार के नियम हमें बनाने पड़ेंगे कि यज्ञ हमारा कर्म हो, लोगों को दान देने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल द्वेष राग द्वेष से हमें बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्रोध मोह से हमें दूर होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि में हम अच्छे पदार्थ डालते हैं उनका रिफ्लेक्शन आता है कि बहुत अच्छी अच्छी सुगंधित गैसें निकलती हैं, सुगंधित हवा वहां से निकलती है। वो हवा किस लिए निकलती है, क्योंकि अच्छे पदार्थ अग्नि में डाले तो अग्नि ने उसको छिन्न भिन्न करके, अग्नि देवताओं का मुख कहा है कि अग्नि में जो पदार्थ डाल दिए जाते हैं वो पूरे वायुमंडल को सुगंधित करते हैं, पूरे वायुमंडल में अग्नि उसको फैलाने का काम करती है। वो सुगंधित हो दुर्गंधित हो उसको अग्नि को उससे कोई अर्थ नहीं है, अग्नि का केवल स्वभाव उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और बहुत व्यापक स्तर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं उसमें अच्छे अच्छे पदार्थ इसीलिए डालते हैं ताकि वो पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे ब्रह्मांड में फैले, पूरी पूरी जो मानव जाति है, पूरी जो प्राणी जो मात्र है उसको उसका लाभ मिले। इसीलिए कहा गया यज्ञ हमारे कर्म होने चाहिए। कर्म भी हमारे ऐसे ही होने चाहिए, जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं, अध्यापक जो पढ़ाने का काम कर रहा है उसका पढ़ाने का अर्थ ये होना चाहिए कि बहुत व्यापक स्तर पर उसको पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरे देश में इसको लाइव सुना जा रहा है, लाइव के बाद भी इसको यूट्यूब पर अपडेट करने के बाद उसको बहुत सारे विद्यार्थी सुनेंगे, हजारों विद्यार्थी सुनेंगे। लेकिन यदि मैं एक क्लास में जा करके पढ़ाऊँ तो मैं कुछ व्यक्तियों तक सीमित हूँ, 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, 200 को पढ़ा सकता हूँ, 500 को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लेकिन यहाँ जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक यज्ञ के स्वरूप को जोड़ करके उसको देखा जा सकता है। असंख्य व्यक्ति इसको देख सकते हैं, करोड़ों व्यक्ति इसको देख सकते हैं, अरबों व्यक्ति इसको देख सकते हैं, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, समान रूप से देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी इसमें नहीं है। इसलिए इस प्रकार के हमारे कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्मों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बहुत फैलाना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जितना उसको आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही वो हमारा लाभ होगा। इस प्रकार की बात हवन के माध्यम से हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मराम जी हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को, नियम को, यम को केवल पढ़ना नहीं है, केवल आप परीक्षा के लिए इसको याद ना रखें, बल्कि इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। और जब किसी नियम को, किसी यम को, किसी प्रिंसिपल को आप अपने नियम में, अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, वो लाइफ टाइम आपको काम देता है। वो केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, वो बल्कि आपके दैनिक जीवन में वो चीज़ आती है, तो आपका जो
व्यवहार है वो उन्मुख बनता है, आपकी दिनचर्या है वो उन्मुख बनती है, आपका जो एटीट्यूड है बहुत पॉजिटिव रहता है और एक समाज में आगे प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, समाज में एक मार्गदर्शन का काम आप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें इन नियमों को, इन यमों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अभी हम आसनों की चर्चा आपके सामने करेंगे, तो आसन यहाँ जानते हैं कि सब आसन करने से अच्छा है, अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन हम करते नहीं। यहाँ दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, जानना और मानना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी वस्तु के बारे में जानना एक अलग विषय है, उस वस्तु को मानना एक अलग विषय है। मुझे पता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये जो मादक जो पदार्थ हैं इनसे हानि होती है। यदि मैं इनका सेवन कर रहा हूँ तो जानता तो हूँ पर मानता नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मैं आसन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं यम नियम का पालन करूंगा तो मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा और मैं इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा रहेगा। यदि चित्त को प्रसन्न करना है तो मुझे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनका पालन यदि मुझे करना पड़ेगा और मैं जानता हूं और मैं मानता नहीं उसको, मैं पालन भी उसका मैं कर रहा हूं तो मैं उसको जान भी रहा हूं और मैं उसको मान भी रहा हूं। ये होता है जानना और मानना। इसलिए कोई चीज अच्छी चीज है उसको जानो और उसको मानो, और कोई चीज़ बुरी है उसको जानो लेकिन उसको मत मानो, उसको फॉलो मत करो, उसको नेग्लेक्ट करो, उसकी उपेक्षा करना आप शुरू कर दो, इग्नोरेंस शुरू कर दो। कहा गया है चित्त प्रसादन के उपाय में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा किसकी हो? उपेक्षा अपराधी की हो, उपेक्षा दुष्ट व्यक्ति की हो, उपेक्षा पापी व्यक्ति की हो, उपेक्षा जो अधार्मिक व्यक्ति हैं उसकी हो, उपेक्षा समाज में उसकी हो, जो दुर्जन व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की हमें उपेक्षा करनी चाहिए, उन कामों की हमें उपेक्षा करनी चाहिए जिनसे लज्जा हमें आए, जिनसे शर्म हमें आए, जिन कामों को हम समाज के सामने पेश नहीं कर सकते या जो किसी का लाभ नहीं कर सकते, उन सभी कामों से हमें उपेक्षा करनी चाहिए। ये स्वामी स्वात्माराम जी भी कहते हैं और ये महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि चित्त प्रसादन के उपाय आपको करने हैं तो इस प्रकार का उपेक्षा आपको करनी पड़ेगी। और यदि आप इस प्रकार की उपेक्षा करते हैं, उन्नत समाज जिसको हम कहते हैं, एक आदर्श आइडल जो सोसाइटी है उसका हमारा निर्माण होता है। इसलिए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उनको जानकर, जानना ही काफ़ी नहीं है। जानना आपको परीक्षा में पास करवा सकता है, जानना आपको एक रोजगार दिलवा सकता है, लेकिन मानना आपको प्रतिष्ठा को प्राप्त करवा सकता है, मानना आपको आनंद की अनुभूति करवा सकता है जो केवल सुख की प्राप्ति व्यक्ति चाहता है। सभी व्यक्ति चाहते हैं समस्त दुखों से छूट करके केवल सुख की प्राप्ति हमें मिल जाए, केवल सुख हमें मिले, और उस सुख की प्राप्ति हमें मिलती दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ों को जानते हैं मानते नहीं हैं। इसलिए उन चीज़ों को मानना पड़ेगा, उनको आत्मसात करना पड़ेगा। मैं जो आज आसन बताऊंगा, मैं उसके लाभ आपको बताऊंगा, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा, उन आसनों को केवल ना परीक्षा के लिए याद न रख करके उनको डेली रूटीन में यदि आप करते हैं तो परीक्षा में तो भूलने का सवाल ही नहीं है, बल्कि उन आसनों से जो लाभ आपको प्राप्त होना है उसकी जो सुख की जो अनुभूति है वो आपको प्राप्त होगी। जो पहला ही श्लोक है आसन के जो क्लासिफिकेशन की है स्वामी स्वात्माराम जी ने, उसी श्लोक में उन्होंने उसके लाभ बताए हैं और किस प्रकार के लाभ बताए हैं। यदि वो आप लाभ चाहते हैं तो आप आसन करें, यदि आप उस प्रकार की बेनिफिट अपने आप भीतर चाहते हैं कि मुझे मिले तो आपको आसन जरूर करने चाहिए। मैं आपको वो एक एक चीज़ बताऊंगा किस प्रकार से उनका स्वरूप है, किस प्रकार से मिसकंसेप्शन समाज में आ चुके हैं, किस प्रकार से बहुत ज़्यादा तोड़ने मोड़ने को लोग आसन कहना शुरू कर चुके हैं, उन चीज़ों को भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना है। आसन के सही स्वरूप को करेंगे तो किस प्रकार का लाभ मिलेगा, और आसनों के अंत में स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं उस पर विशेष गौर मैं आपकी आपको दिलाना चाहूँगा कि आसन करने से इस प्रकार के सिम्टम होते हैं, और यदि उस प्रकार के सिम्टम आपको नहीं लग रहे हैं, उस प्रकार के सिम्टम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, कहीं ना कहीं या तो मैं गलत कर रहा हूं या मैं एक्सेस में कर रहा हूं या कोई मेरी विधि गलत है या कोई किसी तरह का व्यवहार या किसी तरह का जो नियम है, प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं छूट गया है, और उसको वो छूट गया है तो उसकी हम उसको रिविजन करेंगे कि किस प्रकार से हुआ, विजुअलाइजेशन करेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार से मैंने गलती की है, कहां गलती की है और उसको कैसे सुधारा जाए, और वो जो आनंद है, वो जो सुख है, जो स्मृति है, जो स्थिरता है, जो आरोग्यता है, जो दृढ़ता है, जो हल्कापन है, वो हम कैसे प्राप्त करें, उसकी चर्चा हम आपके सामने भी कर रहे हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने मुख्य रूप से जो आसन है उनका 15 आसनों का वर्णन किया, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आसनाज, आसन का परिचय क्या है, आसन किसे कहते हैं। बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, अब एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आसन की जो परिभाषा है वो स्वामी महर्षि पतंजलि देते हैं, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। इसका अर्थ हुआ कोई भी शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें आपको सुख प्राप्त हो रहा है और स्थिरता प्राप्त है, यानी कि आप स्टेबल भी हैं उस अवस्था में और आपको सुख की अनुभूति भी हो रही है, उसको आसन कहा गया है।
वो चाहे आपके बैठने की स्थिति हो, चाहे वो आपके खड़े होने की स्थिति हो, चाहे वो आपके लेटने की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की जो शरीर की जो ऐसी अवस्था जिसमें आप सुख और स्थिरता महसूस कर रहे हैं उसको आसन कहा गया है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद यूटिलिटी ऑफ आसनाज इन हठ प्रदीपिका, एचपी का अर्थ यहाँ पे आप हठ प्रदीपिका से मानेंगे जो मैंने एचपी लिखा है, इसमें आसन की उपयोगिता क्या है। आसन की आसन कहते स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं पहले ही, जब इसको कहते हैं कि आसन पहला अंग है हठ योग का अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम, तो उन्होंने कहा कि आसन करने से हमें स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता किस प्रकार की प्राप्त होगी? शारीरिक और मानसिक, यहाँ दोनों बातें उन्होंने कही हैं, शारीरिक और मानसिक स्थिरता हमें प्राप्त होगी। स्थिरता का अर्थ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि शरीर में स्थिरता। जब जब हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है तो हम एक उन्नत उसको प्राप्त होते हैं, अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जब स्टेबिलिटी आती है तो हमारा जो शरीर है वो एक कंसंट्रेट होता है, यानी कि उस एकाग्रता उसमें आती है। एकाग्रता आएगी तो हमारा पूरे शरीर पे कंट्रोल रहेगा, थॉट प्रोसेस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, सेंस ऑर्गन पे हमारा कंट्रोल रहेगा, पूरी बॉडी माइंड सोल पे हमारा कंट्रोल रहेगा आसन के करने से। आसन के करने से शरीर में स्थिरता आती है, सारे काम शरीर से होने हैं, जितने भी काम हैं, अच्छे काम हैं, बुरे काम हैं, कष्टकारी काम हैं, सुखदारी काम हैं, जो अच्छे जो फल को भोगना है वो भी आपके शरीर से होंगे। तो ये शरीर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इसमें स्थिरता होनी चाहिए। जब आज तक आपके शरीर में स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं हो सकती। और यदि आपके मन में स्थिरता नहीं है तो आपके शरीर में स्थिरता नहीं हो सकती। शरीर का मन पे और मन का शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साइकोसोमेटिक डिजीज आपने बहुत सुनी होंगी, जो मनोकायिक जो बीमारियां होती हैं, मन से उत्पन्न होकर के, मन के द्वेष से उत्पन्न होकर के, मन के राग से उत्पन्न होकर के, मन के भय से उत्पन्न होकर के, मन के क्रोध से उत्पन्न होकर के, मन के अभिनिवेश से उत्पन्न होकर के, वो आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। और वो आपको डिजीज जो है, वो जो बीमारियां हैं, वो आपको भयानक कष्ट देने का कार्य करती हैं। और उनका कारण केवल मन है, और मन का केवल कारण है आपका स्टेबल ना होना। जैसे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब मन चलता है, प्राण चलता है, तो मन भी चलता है। और जब प्राण की गति को रोक देते हैं तो मन की गति भी स्वयं ही रुक जाती है। इसलिए यदि आपको स्टेबिलिटी चाहिए मन की, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। उससे पहले स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, यदि आसन नहीं करेंगे तो प्राणायाम में प्रणीत नहीं हो सकते, क्योंकि पहला अंग ही आसन बताया है। और आसन जब हम करते हैं तो स्टेबिलिटी हमारे भीतर आती है, स्थिरता आती है, और उस स्थिरता का कुछ अंश हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। जो स्थिरता हमारे शरीर में आई, वो शरीर की जो स्थिरता होती है, शरीर को सुख प्राप्त हुआ तो मन में ट्रांसफर होगा, और शरीर को दुख प्राप्त हुआ वो भी मन में ट्रांसफर होगा। यदि मन में सुख प्राप्त हुआ वो शरीर में ट्रांसफर होगा, मन को दुख हुआ तो वो भी शरीर में ट्रांसफर होगा। एक दूसरे की चीज़ें ट्रांसफर होती रहती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम आसन करते हैं और जब हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं, आसन करके प्राणायाम करना शुरू करते हैं, तो शरीर हमारा स्टेबल है, उसके बाद प्राणायाम करने से मन हमारा स्टेबल है, और दोनों हमारा विकास करने का कार्य करते हैं, पूरा उन्नत हमें बनाने का प्रयास करते हैं। फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सब तरह से हमें उन्नत बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो परिभाषा है WHO की परिभाषा, वो भी इससे पूर्ण होती है। जो महर्षि सुश्रुत ने बात कही वो भी इससे पूरी होती है। इसलिए पहला अंग है, आप शरीर को दुरुस्त करो, आप शरीर को स्वस्थ करो, शरीर को आरोग्यता पहुंचाओ। इसलिए पहली बात कहते हैं यूटिलिटी में कि आपकी आसन करने से आपको स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता से आपके थॉट प्रोसेस में कंट्रोल आएगा, सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल आएगा, आपकी भावनाओं पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक डायरेक्शन आप दे सकते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, बगैर किसी डायरेक्शन के आगे बढ़ रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इसलिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए भारतीय जो परंपरा है, योग हमारा प्रॉपर्टी है, योग हमारा अध्यात्म जो है, योग है वो हमारा एक सार है, हमारे योग का, पूरे भारत का, पूरे हमारे देश का एक गौरवान्वित जो हम कहें कि एक विद्या है, और उसको पूरे विश्व ने आज पूरे प्रमाणिक तौर पे माना है। उसका हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। और उसका लाभ हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे? आसन करने से हम उसका लाभ प्राप्त करेंगे। आसन करेंगे और आसन करके हम प्राणायाम करना उसमें शुरू करेंगे, तो हमें शरीर का शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, और उसे हम सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ सकेंगे, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत आज देखेंगे रोजगार के इतने अवसर इसमें हैं, जिसमें हमने हेल्थ एंड करियर के जो टॉपिक है, हमारे लेक्चर है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 15 आसन कौन से हैं हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। 15 आसनों का वर्णन हम आपके सामने करेंगे। उनमें सबसे पहले स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन,
पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 15 प्रकार के आसन उसमें कहे गए हैं। उन 15 प्रकार के आसनों की चर्चा हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला जो आसन है उसको हम लेते हैं स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन बहुत ही अच्छा आसन है, सिंपल आसन है। इसमें देखेंगे जैसा विधि, जिसमें जैसा आपको चित्र में दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा आपके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठ करके जो हमारा बायां पैर है, बाएं पैर को हम दाएं पैर के जो हमारी थाई है, हमारा घुटना है और हमारी जो काफ है, उस काफ के बीच में हम उसको डालेंगे। और जो दायां पैर है उसको, जो बायां पैर की जो काफ मसल है और जो थाई है उसके बीच में उसको मध्य में डालेंगे, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हमारी होगी और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में आप रख सकते हैं। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके यदि आप स्वस्तिक आसन में बैठते हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा यह आसन कहा गया है। और इसको, स्वस्तिक आसन को करने से हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है और एक ध्यानात्मक आसन इसको कहा गया है। जो आसनों का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, आसनों के क्लासिफिकेशन में कुछ होते हैं मेडिटेटिव पोज, कुछ होते हैं स्ट्रेचिंग पोज, कुछ होते हैं रिलैक्सेशन के पोज, यानी कि कुछ आरामदायक होते हैं, कुछ शरीर को संवर्धन करने के आसन होते हैं, कुछ होते हैं ध्यानात्मक आसन मेडिटेटिव पोज। तो मेडिटेटिव पोज का आसन है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन को सबसे पहले इन्होंने रखा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है और लगभग सिद्धासन और पद्मासन से मिलता जुलता है। इस प्रकार के कई आसन जैसे वीरासन को आप देखेंगे वो भी इसी प्रकार का आसन है। तो कई प्रकार के आसन, सिद्धासन भी इसी प्रकार से है, पद्मासन भी इसी प्रकार से, थोड़ी थोड़ी उनमें सिमिलरिटी है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेज उनमें हैं। तो स्वस्तिक आसन का यदि आप अभ्यास यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कंसंट्रेशन आपको प्राप्त होता है और आपका ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। कुंडलिनी जागरण में भी बहुत लाभकारी ये आसन है और ये एक विद्यार्थी के लिए, जब परीक्षा का समय आता है तो हम बहुत पढ़ना चाहता है विद्यार्थी लेकिन कई बार पढ़ नहीं पाता क्योंकि आलस से उसको आता है, प्रमाद उसको आना शुरू होता है, उस अवस्था में वो पढ़ नहीं पाता, इसलिए उस स्वस्तिक आसन उस समय पे बहुत कारगर है। स्वस्तिक आसन में बैठ करके यदि किसी, आप कोई जैसे भोजन करते हुए हमारे पास कोई वो होती है लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है उस पर के मेज पर आप रख कर किताबों को पढ़ सकते हैं और आप सिद्धासन के स्वस्तिक आसन का लाभ उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वस्तिक आसन का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं पहले ही नंबर पे। उस पे दूसरा जो आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन किस प्रकार से करना है इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे। दो चित्र हमने इसमें रखे हैं गोमुख आसन में। गोमुख आसन जैसे गऊ का जो मुख होता है, गाय जो हमारी होती है, गाय का मुख क्या आकार का, इसमें पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं जिसमें आप पैरों के माध्यम से ये पहले दोनों उसमें बैठेंगे आप ध्यानात्मक आसन में, किसी भी सुखासन में आप बैठेंगे। और जो आपका दायां पैर है, दायां पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के नितंब के पास आप लेकर के जाएंगे और जो ऊपर से बायां पैर है उसको उसके ऊपर से फोल्ड करते हुए दूसरे पैर के, दाएं पैर के नितंब के पास आप लेकर के जाएंगे। दोनों जो एड़ियां हैं आपकी वो दोनों नितंबों के आसपास हों, दोनों विपरीत नितंबों के पास, यानी कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के नितंब के पास और बाएं पैर की एड़ी आपके दाएं नितंब के पास होनी चाहिए इस प्रकार से। और दोनों हाथों को आप सामान्य तौर पर रखेंगे, आप पैरों के ऊपर रख सकते हैं, कमर गर्दन सीधी होगी। इस प्रकार से आप गोमुख आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये पहला स्टेज है जो कि अकॉर्डिंग टू हठप्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग इसको कहा गया है। लेकिन यदि दूसरे चित्र में आप देखेंगे, ये जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं इसमें एक जो है उन्होंने हाथों को, अपने दोनों हाथों को पकड़ रखा है, वैसे ही स्थिति पैरों की वही स्थिति है लेकिन जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके आए हैं। जैसे ये हाथ दाएं का दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर से लेके आए हैं, बायां हाथ जो है वो नीचे से लेकर आए हैं, जो पैर नीचे है, और दोनों हाथों की आपस में ग्रिप बना करके उनको पकड़ा हुआ है। इस प्रकार से गोमुखासन है जो प्रचलन में है। हम यहाँ प्रचलन की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में प्रचलित है और टेक्स्ट दोनों को हम यहाँ पे मिला करके बताना चाह रहे हैं। दोनों ही आसन बढ़िया हैं, दोनों ही आसन से लाभ मिलता है और ये जो हमारा है गुप्त रोगों को दूर करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी डिजीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है, थाई की ओबेसिटी के लिए, हिप्स की ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है और ध्यानात्मक आसन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का आसन है, यानी कि इंडाइजेशन को खत्म करता है। गोमुखासन बहुत ही उपयुक्त आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है और दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। पहले चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। ये जो देखा आपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है इसमें भी आपको वही लाभ प्राप्त होंगे
और दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये प्रचलन का आसन हमारा है, इसको भी करके आप इसको लाभ को प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार के लाभ हमने आपको बताए। तो गोमुखासन दोनों तरह से सही है, कोई गलत नहीं है कि टेक्स्ट में फला प्रकार की बात कही गई है हम फला प्रकार की चीज़ें क्यों करें, इस प्रकार का कोई इस तरह से कोई उसका विधान नहीं है। आप प्रचलन की चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि भारतीय जो योग परंपरा है वो योग परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आई है, तो टेक्स्ट की भी बात भी हम मानेंगे और टेक्स्ट के बाद जो जिन लोगों का अनुभव जीवन में हुआ है जिन्होंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया उसको भी हम मानेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे गोमुखासन बहुत ही अच्छा आसन। तीसरा आसन जो है उसकी हम चर्चा करते हैं वीरासन। वीरासन देखेंगे जैसा कि ये बिल्कुल स्वस्तिक आसन से मिलता हुआ आसन है। स्वस्तिक आसन में और इस आसन में केवल इतना ही फर्क है कि जो दायां पैर है वो आपकी जो काफ मसल और जो थाई है उनके मध्य होना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे ये पैर आपका ऊपर है, जो बायां पैर है वो ठीक वही है, बायां पैर आपका दोनों आपकी काफ मसल और थाई के बिल्कुल बीच में है और जो दायां पैर है वो आपकी जो दाई बाई जंघा है जंघा के ऊपर उन्होंने रखा है इस प्रकार से। और कमर गर्दन सीधी करके हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, घुटनों पे आप रख सकते हैं, वायु मुद्रा में आप रख सकते हैं, कमर गर्दन को सीधा कर सकते हैं। इससे भी आपको जो ध्यानात्मक आसन के लाभ होते हैं, जो आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होते हैं कुंडलिनी जागरण से लेकर प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने से लेकर के विद्यार्थी जीवन को परीक्षा के समय पर विद्यार्थियों को बहुत सहायता प्रदान करने के लिए एक अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने के लिए जो लाभ प्राप्त होते हैं पैरों के और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी कि जो हमारा गुप्त रोग होते हैं वो किसी प्रकार के रोग हमें नहीं होते वीरासन के करने से। इस प्रकार की चर्चा वीरासन के लाभों की हमने की आपके सामने। तो वीरासन में और उसमें ज़्यादा सा फर्क नहीं है, वीरासन स्वस्तिकासन सिद्धासन पद्मासन सिमिलर से हैं, बहुत ध्यानात्मक आसन को इनमें रखा गया। संवर्धनात्मक में हमने गोमुखासन की भी बात आपके सामने की। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कुर्मासन की। कुर्मासन की विधि आप देखेंगे जैसे चित्र में भी आप देख रहे हैं कुर्मासन दो तरह से, प्रचलन का जो कुर्मासन है वो बिल्कुल अलग है और ये जो कुर्मासन है वो बिल्कुल अलग है। इसमें जो टेक्स्ट में कहा गया है दोनों घुटनों को फोल्ड करके बैठेंगे वज्रासन में और जो आपके दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं वो आपकी उनके ऊपर नितंब होने चाहिए, नितंब के नीचे वो होने चाहिए और जो पंजे हैं वो आपके बाहर की तरफ होने चाहिए, जो टॉज हैं वो बाहर की तरफ निकले होने चाहिए और आपके हिप्स उसके ऊपर रखे होने चाहिए। ये चित्र के माध्यम से मैंने इसलिए आपको दिखाने का प्रयास किया कि ये जो एड़ियां हैं और पंजे बाहर की तरफ निकले, एड़ियां अंदर की तरफ होनी चाहिए लेकिन ये नितंब इनके ऊपर होने चाहिए, ये दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफाई किया इसको। लेकिन आप इसको करेंगे तो एड़ियां आपकी नितंब के नीचे हों और आपके पंजे आपके बाहर की तरफ हों, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो और कमर गर्दन सीधी करके यदि आप कुर्मासन को करते हैं तो ये आपका कुर्मासन हुआ जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट है हठप्रदीपिका स्वामी स्वातमाराम जी जिसका वर्णन करते हैं। लेकिन जो वैसे जो कुर्मासन है उसमें आपका दोनों पैरों को उठा करके कंधों के ऊपर से उसको ले जा करके हम उसको करते हैं, कंधों से ऊपर को ले जा करके और सामने और दोनों हाथों को बराबर में फैलाने का काम हम करते हैं वो हमारा कुर्मासन होता है। और जो हमारा जो ठोड़ी होती है चिन्ह होती है उसको हम ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करते हैं यानी कि मैट पे उसको लगाने की कोशिश करते हैं, वो कुर्मासन बिल्कुल अलग है, ये कुर्मासन बिल्कुल अलग है। बहुत सारी डिफरेंसेज हैं, सिमिलरिटीज में नहीं है किसी प्रकार की। तो हम कुर्मासन इस प्रकार से करेंगे तो कुर्मासन के लाभ हमें प्राप्त होंगे। कुर्मासन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा क्योंकि आपके जो एक्यूप्रेशर भी मानता है जो हमारे पिंडलियों में जो पॉइंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के वो हमारे पॉइंट प्रेस होते हैं। दूसरा उसके बाद ध्यानात्मक आसन है, इसमें ध्यान हम लगा सकते हैं, पूजा पाठ हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेट होता है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। इस प्रकार से यदि हम कुर्मासन करते हैं तो कुर्मासन का लाभ हमें प्राप्त होता है। कुर्मासन ध्यानात्मक आसनों में है, इस आसन में बैठ के पढ़ भी सकते हैं, पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। मैं यूटिलिटी बता रहा हूँ किस प्रकार से ज़्यादा उपयोग आप कर सकते हैं, ये नहीं माने कि केवल विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकता है, केवल पूजा पाठ वाला व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है या केवल धार्मिक व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकता है, इसका उपयोग सब फील्ड में हो सकता है। भोजन आप इस अवस्था में बैठकर कर सकते हैं क्योंकि सीधी बैठने की अवस्था है, पढ़ा आप इसमें सकते हैं, पूजा पाठ आप इसमें कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको करना है, कंसंट्रेशन आपको करना है तो आप इस आसन में कर सकते हैं, सामान्य बैठ के आप टीवी देख रहे हैं तो भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। तो इससे आपके पैर भी स्ट्रांग होंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहने की आदत होगी तो आपको सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर और बैक पेन की प्रॉब्लम से भी नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि अमूनन हम बहुत नीचे झुकने का काम करते हैं, कंधों को झुकाए रखते हैं बैठे हुए, कमर को बाहर निकाले रखते हैं, इसलिए उसको उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस सेशन में हमने जाना 3-4 आसनों को, आगे सेशन में भी हम जानेंगे दूसरे आसनों को। तो इसमें हमें कुर्मासन तक की हमने इसमें बात की आपके सामने।
और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी का. डॉक्टर सोमवीर आर्य ने इस वक्त हमें, यानी कि हमारे सेशन में हमें कुछ आसन बताए हैं. उम्मीद करते हैं कि आप उन आसनों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे. मित्रों, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होते हैं और कुछ और नए आसन सीख कर अपने आप को एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करते हैं. नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. और मित्रों, बताना चाहेंगे कि अपने पिछले सेशन में हमने कुछ आसनों पर चर्चा की और इस सेशन में भी हम कुछ विशेष आसनों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि कुकुट आसन, मयूर आसन, भद्रासन, सिद्धासन और पद्मासन. मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन लेक्चर से लाभान्वित हो रहे हैं. तो लाभ प्राप्त करने के लिए आप एक बार फिर इस व्याख्यान को सुने. और हाँ, आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप डॉक्टर सोमवीर आर्य से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं 1800-110-430 पर. तो मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सोमवीर आर्य का. डॉक्टर आर्य, आपका स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी. प्रिय विद्यार्थियों, अब दूसरे सेशन में हम चर्चा करते हैं कुक्कुट आसन की. इससे पहले हमने अन्य आसनों की आपके सामने चर्चा की. कुक्कुट आसन आप जैसा चित्र में भी देख पा रहे हैं, कुक्कुट आसन बहुत ही अच्छा आसन है. बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी को ये डिफाइन करता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं. इसमें हम पद्मासन लगाते हैं. सबसे पहले सुखासन में बैठ करके बाएं पैर को दाईं जंघा पे, दाएं पैर को बाईं जंघा पे हम रखते हैं. और दोनों जो काफ मसल और थाई, इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा भाग होता है जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, उसके अंदर से अपने दोनों हाथों को निकाल करके भूमि पर टिकाते हैं, यानी कि मैट पर टिका करके और हाथों पे खड़े रहते हैं और अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं. यानी कि पूरा जो शरीर है, आपके नितंब हैं, आपके जो घुटने हैं, आपके जो पैर हैं, वो हवा में होंगे और जो दोनों हाथ हैं उनके ऊपर पूरे शरीर का भार आपका होगा. इस तरह से जो विधि है उसको हम करते हैं, उसको हम कुक्कुट आसन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम जी. कुक्कुट आसन बालकों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बालक बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है. दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन इससे बढ़ती है और आपकी हाथों की मजबूती होती है. सबसे बड़ी बात इसमें कोर की स्ट्रेंथ आती है, पेट में जो मजबूती आती है. कहते हैं कि हमारा जो उदर होता है वो बहुत वीक होता है बहुत सारे लोगों का. उत्तान पादासन किसी से करवाते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो उनकी कोर में स्ट्रेंथ नहीं है. कोर की स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि जब आप हाथों के ऊपर पूरे शरीर को उठाते हैं तो पेट के ऊपर पूरा प्रेशर आपका पड़ता है और पूरा जो प्रेशर पड़ता है आपके उदर को पतला करने का काम भी करता है, आपके उदर को मजबूत करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का वो काम करता है. और आप मजबूत होते हैं, एक ताकत जो होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, वो आपके शरीर में डेवलप होती है. इस प्रकार से हम कुक्कुट आसन का लाभ आपको बताया. और कुक्कुट आसन हमें करना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी है, कितनी स्ट्रेंथ हमारे भीतर है. इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं उत्तान कुर्मासन की. उत्तान कुर्मासन बिल्कुल जैसे हमने कुक्कुट आसन किया, ठीक उसी प्रकार से उसी अवस्था में बैठे बैठे कुक्कुट आसन में हमने अपने शरीर को उठाया था दोनों हाथों को रख करके, लेकिन इस आसन में हमने दोनों हाथों को और नीचे तक ले जा करके कोहनियों तक, कोहनियाँ जो हमारी हैं वो काफ मसल और थाई की जो मसल है उसके बीच में रहेंगी, और अपने दोनों हाथों को निकाल करके पीछे और अपने चेहरे पे लगाना है या अपनी ठुड्डी के पास लगाना है जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, और अपने आप को पलट देना है, यानी कि पीछे की तरफ लुढ़क जाना है. जैसे आप बैठे हैं, बैठे नहीं रहना है, ये लुढ़का हुआ पोज मैंने आपको दिखाया है, तो आप पीछे लुढ़केंगे तो उस अवस्था में इसमें लेटे रहना. उत्तान कुर्मासन इसको कहा गया है. बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको गर्भासन भी कहा है,
कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो इसी प्रकार से उसकी अवस्था होती है। तो अनेक लोगों ने इसको अलग नाम से भी पुकारा है, लेकिन यहाँ उत्तान कुर्मासन के नाम से स्वामी स्वात्माराम जी इसको कहते हैं। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, आपके हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसको बहुत एक्टिव करता है। इसलिए उत्तान कुर्मासन आपको करना चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है, किसी प्रकार का बुढ़ापा आपको नहीं आती, आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, आपको शरीर में हल्कापन प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम जी। तो उत्तान कुर्मासन का आपने लाभ देखा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनुरासन। धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन है। धनुर का मतलब होता है धनुष जो होता है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने पूरे शरीर को धनुष की तरह कर रखा है। जो आपके पैर हैं दोनों सीधे, पहले आप मकरासन में लेटेंगे, सीधे मकरासन में लेट करके अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और आगे से अपने दोनों हाथों को ले जा करके दोनों पैरों के अंगूठे आप पकड़ेंगे और अंगूठों को पकड़ करके उन दोनों पैरों को तान देंगे। तानेंगे जिस प्रकार से धनुष की डोर को हम तानते हैं, खिंची होती है, किसी प्रकार की वो लूज नहीं होती, ताकि धनुष जो बाण है हमारा वो और आगे तक जाए, इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं उसको हम तानेंगे। इसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, घुटनों को खोल लेते हैं। घुटनों को कभी नहीं खोलना होता, बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि घुटने ज़्यादा खुलेंगे तो ज़्यादा अच्छा आसन होगा, घुटने खुलेंगे तो रॉन्ग आसन होता है, उसके नंबर आपके कटेंगे, वो गलत आसन होता है। दोनों घुटनों को मिला करके आपने रखना है, दोनों पैरों के पंजों को मिला करके आपने रखना है, और जो जितने आपके कंधे चौड़े हैं उतने ही आपकी हाथ खुलेंगे, उससे ज़्यादा हाथ नहीं खुलेंगे ना उससे कम आपके हाथ रहेंगे, और उससे खींच करके धनुष की तरह रहेंगे। आपका केवल जो आपका उदर का जो हिस्सा है, लोअर अबडोमिनल है, उस वो आपका पूरी भूमि पे टिका रहेगा। इस प्रकार से आप धनुरासन का अभ्यास करेंगे, आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपका जो लंग्स है उनकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल और बैक पेन को बिल्कुल खत्म करता है, साइटिक का जो पेन है उसको भी ये बहुत दूर करता है। हर्निया में इस आसन को नहीं करेंगे क्योंकि पीछे झुकने का आसन है, इसलिए धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन। ये जो आसन आप चित्र में देख रहे हैं ये पूर्ण धनुरासन इसको कहा गया है। वैसे धनुरासन है, और धनुरासन और पूर्ण धनुरासन में बहुत सारा डिफरेंस कई बार लोग मानते हैं, तो सामान्यतः आप टखनों से पकड़ करके अपने जो आपके जो टखने हैं ये यहाँ से पकड़ के भी आप अपने हाथों से अपने शरीर को उठा सकते हैं, यदि आप पूर्ण नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा आसन इन्होंने किया है, बहुत अच्छा, ये पूर्ण आसन कहेंगे हम, पूर्ण धनुरासन कहेंगे। इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो कोहनियों को फोल्ड करके लेके आना होता, घुमा करके लेके आना होता, उसके लिए आप धीरे धीरे एक एक कोहनी को घुमा करके लेके आने का अभ्यास करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे प्रारंभ अवस्था में। उसके बाद आप दोनों को आराम से फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होने के बाद आप कुछ 20-25 दिन के अभ्यास के बाद आप इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। तो इन लाभ को प्राप्त करना है, बैक पेन को दूर करना है, सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर को दूर करना है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो आप धनुरासन करें। इस प्रकार का लाभ इसमें धनुरासन का बताया गया है। इसके बाद मत्स्येन्द्र आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। मैं कहता हूं कि सब आसनों में जिस प्रकार से ट्विस्टिंग होती है, इस आसन से ज्यादा ट्विस्टिंग किसी आसन में नहीं पाई जाती। एक आसन ऐसा है जिसमें पूरी बॉडी पार्ट यूज होता है, आप देखेंगे चित्र के माध्यम से कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है जो इसमें यूज ना हुआ हो। आपका पंजे से लेकर के आपका सिर तक पूरा यूज हुआ है, आपके घुटने, आपके टखने, आपकी थाई, आपकी कफ मसल, आपका एब्डोमिनल, आपकी चेस्ट, आपकी शोल्डर, आपकी नेक, आपकी बैक, सबको यूज इसमें किया गया है। और ये मत्स्येन्द्र आसन है, इसको कहेंगे मत्स्येन्द्र आसन। मत्स्येन्द्र आसन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन क्या है, पूर्ण मत्स्येन्द्र आसन क्या है और मत्स्येन्द्र आसन क्या है। मत्स्येन्द्र आसन पूर्ण ये है, जिस प्रकार से आप देखेंगे बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं जंघा पे आप रखेंगे और जो दाया पैर है उसको घुटने, उस बाएं पैर के घुटने के दूसरी तरफ आप रखेंगे और जो आपका बायां हाथ है उसको दाएं पैर से को उसको पीछे करते हुए उसके पंजे को आप पकड़ेंगे और जो आपका दायां हाथ है उससे आपका जो बायां पैर है उसके आप टखने को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे, घूम करके गर्दन आपकी पूरी घूम जाएगी। इसमें कितना प्रेशर आपका इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। डायबिटीज के लिए द बेस्ट आसन इसको कहा गया, डायबिटीज इससे बिल्कुल दूर होती है, जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती है, सभी रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान इसको स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है। स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि कुंडलिनी को जागृत करने वाला आसन है और चंद्रमंडल को स्थिर करता है, यानी कि जो चंद्रमंडल होता है हमारा उसकी स्थिरता के लिए भी बहुत उपयोगी आसन इसको कहा गया है। मत्स्येन्द्र आसन को इसको करेंगे और दूसरे पैर से भी इसको करेंगे, यानी कि दूसरी साइड से काउंटर पोज भी, ये एक भाग है, इसके दूसरे भाग से भी आप इसको करेंगे दूसरी साइड से भी, क्योंकि काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। तो मत्स्येन्द्र आसन से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान इसको कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, चंद्रमंडल को स्थिर करता है और
बीमारियों की दृष्टि से हम देखें इंडाइजेशन को दूर करता है, दूसरा हम देखेंगे कि आपका डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा आसन इसको कहा गया है, और ओबेसिटी का तो इसमें सवाल ही नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल बैक पेन को भी ये दूर करने का काम करता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पश्चिमोत्तानासन की। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा, पश्चिम की तरफ अपने शरीर को तानना, यानी कि इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे सीधा दंडासन में हम बैठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके इनहेल करके वृत्त को एक्सहेल करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे और पूरे अपना जो शरीर है, अपना जो माथा है, सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास आप करेंगे, इसको पश्चिमोत्तानासन कहा है। पश्चिमोत्तानासन आपको आपकी ये माने आपकी जो प्राण है उसको सुषुम्ना में प्रवाहित करने का काम करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, उदर को पतला करता है, आरोग्यता आपको प्रदान करता है। जिनको व्यक्तियों को पेट बढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति कहते हैं कि पेट कैसे कम होगा, किस आसन के करने से पेट कम होगा, कोई ऐसा आसन हमें बताएं, कोई ऐसा योग हमें बताएं जिससे हमारा पेट कम हो जाए, लोग नहीं बता पाते, कहते ये करो वो करो, लेकिन यदि स्पष्ट आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है यदि आपको उदर को पतला करना है, आपको आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, मंद आपकी जठराग्नि है, प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित आपको करना है, आरोग्यता आपको प्राप्त करनी है, तो आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे, पश्चिम की तरफ शरीर को तानना, पश्चिम तानासन इसको कहा गया है अकॉर्डिंग टू हथप्रदीपिका। बहुत ही अच्छा आसन है, इस प्रकार से श्वास को बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींच करके जब आप करते हैं तो आपके समस्त रोगों का नाश करने वाला होता है, समस्त प्रकार के लाभ आपको प्राप्त करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने वाला यह आसन कहा गया है। बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मयूरासन की। बहुत ही अच्छा आसन है मयूरासन, और मयूरासन बहुत इंपॉर्टेंट आसनों में मयूरासन को रखा गया है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, अपने दोनों हाथों को मैट पर रख करके, दोनों जो चारों उंगलियां हैं पीछे, अंगूठों को आगे रख करके अपने पूरे शरीर के भार को कोहनियों के ऊपर उठाना है। जो हमारी जो आंतें होती हैं लेफ्ट और जो राइट इंस्टाइन होते हैं, उनके ऊपर हम अपने पूरे शरीर को रखेंगे, पेट के दाएं और बाएं भाग पर, बाएं भाग पर बाएं कोहनी, दाएं भाग पर दाएं कोहनी को रखेंगे और श्वास भर करके शरीर को उठा देंगे। आप इस चित्र में देखेंगे कि ये जो सिर है और जो पैर है वो बिल्कुल एक सीध में। बहुत सारे व्यक्ति करते हैं सिर को बहुत आगे झुका लेते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करते हैं पैरों को नीचे रखते हैं सिर को ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन ये इक्वलिटी चाहिए यहाँ पे। जो आपका लेवल है, एडियों का जो लेवल है, आपकी जो एडियां हैं और आपका जो सिर का ऊपर का जो भाग है वो एक सीध में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब आपका आसन पूरा माना जाता है। पूरे घुटने आपके सीधे होने चाहिए और इस प्रकार से आप करेंगे, जितना देर भी आप रुक पा रहे हैं धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। बहुत कठिन आसन में इसको कहा गया है, इस प्रकार से मयूरासन का अभ्यास करेंगे। मयूरासन से किस प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, तो स्वामी स्वात्माराम जी बड़ा अच्छा वर्णन उसमें करते हैं कि स्वामी मयूरासन जब आप करते हैं तो समस्त रोगों को का नाशक ये है, समस्त रोगों का नाश करता है, उदर गुल्म आदि रोगों को दूर करता है, अधिक जो भोजन कर दिया आपने उसको पचाने का काम करता है, कुपथ्य जो भोजन है, जो खराब भोजन जिसको कहा है वो आपने ग्रहण कर लिया उसको भी पचाने का काम करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और विष को भी पचाने की शक्ति इसमें होती है। बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ऐसा कौन सा आसन है जिसको करने से विष आदि को पचाने की क्षमता भी शरीर में होती है, तो वो केवल और केवल मयूर आसन आप कहेंगे। इसकी स्पेशलिटी है, इस बात को पूछने का प्रयास एग्जामिनर बहुत बार करता है, तो विष को भी पचाने का काम करता है क्योंकि आपकी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती है कि विष को भी भस्म करने का काम वो करती है। इस प्रकार से हमने मयूरासन को जाना। इसके बाद हम जानेंगे शवासन। शवासन बहुत सारे लोगों का प्रिय होता है क्योंकि उसमें रेस्टिंग पोज होता है, बिल्कुल अपने शरीर को निढाल कर देना, अपने शरीर को जी सुमित जी बताएं पहले पूरा। हाँ, शवासन को देखेंगे, चित्र के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं, अपने शरीर को निढाल छोड़ देना, शव यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को बिल्कुल निढाल रखना, किसी प्रकार की मूवमेंट ना होना, और वो किसी प्रकार की मूवमेंट यदि नहीं होगी और केवल शव और आपके बीच में इतना ही फर्क रहेगा कि शव में प्राण नहीं होता, आप में प्राण है, और पूरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरी बॉडी का निरीक्षण आप करेंगे, पूरी बॉडी को आप देखेंगे कि किस प्रकार का मेरे शरीर में चर्चाएं चल रही हैं, किस प्रकार की मेरे शरीर में क्रियाएं चल रही हैं, उनको पूरा शांत करने का काम करेंगे। पूरा रेस्टिंग पोज है, आपको एनर्जी से भरपूर करता है, आपके तनाव को दूर करता है, अनिद्रा को दूर करने का काम शवासन के माध्यम से होता है। जी सुमवीर जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं, उनका प्रश्न जानते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्कार, मैं योगाचार्य तरुण बोल रहा हूँ झुंझुनू राजस्थान से। जी तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सवाल मेरा डॉक्टर सोमवीर जी से ये है कि आसनों में विशेषतया देखा जाता है कि आगे और पीछे झुकने वाली बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो मुख्यतया हमें आगे और पीछे झुकने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक आम जन को क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
जी बहुत ही अच्छा बहुत सवाल अच्छा आचार्य तरुण जी आपका सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। आगे और पीछे झुकने की जो चीजें होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग की जो चीजें होती हैं, किस अवस्था में आगे झुके किस अवस्था में पीछे ना झुके, वो बहुत अच्छा है। यदि आपने कोई पेट का ऑपरेशन कराया है या कोई आपको हर्निया आदि कोई आपको बीमारी है तो आप पीछे झुकने के आसन नहीं करेंगे, बैक बेंडिंग उसमें निषेध बताया गया है। और यदि आपको बैक पेन है, आपको सर्वाइकल है, आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप आगे झुकने के आसन नहीं करेंगे। बाकी सामान्य व्यक्ति आगे झुकने के और पीछे झुकने के आसन कर सकता है, लेकिन हर्निया और कोई पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई आपका बैक का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, किसी प्रकार का उसमें स्टंट आपका डला है, तो आप बैक बेंडिंग नहीं कर सकते और आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते। और यदि आपको बैक पेन है, सर्वाइकल है और फ्रोजन शोल्डर है तो आप आगे झुकने के आसन नहीं कर सकते और इसमें हर्निया में आप पीछे झुकने के आसन नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत व्यक्ति करते हैं कि करना शुरू कर देते हैं, पता चलता है कि लाभ की जगह हानि हो गया, तो इस प्रकार की सावधानी उनको रखनी चाहिए। जी तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। मित्रों आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर सोमवीर आर्य से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। जी सोमवीर जी हम चर्चा करें शवासन की, हमने आपकी चर्चा की, चित्र के माध्यम से भी आप शवासन को देख सकते हैं। शवासन पूरे शरीर को निढाल रखना, पूरे शरीर को ऐसे जैसे मृत शरीर पड़ा जैसे आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे, उसके लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसका बाद आता है सिद्धासन का जो वर्णन आता है। चित्र में आप देखेंगे बाएं पैर को हम शिवनी नाड़ी के नीचे लगाएंगे, यानी कि टेस्टिस के नीचे हम रखेंगे और जो दायना पैर है वो उसके टखने के ऊपर हम रखेंगे। थोड़ा सा गर्दन को झुकाने की इसमें विधान बताया गया है हठप्रदीपिका में। सिद्धासन सभी आसनों से श्रेष्ठ बताया गया है, सभी आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन को ही बताया गया है स्वामी स्वात्माराम द्वारा। ध्यानात्मक आसन है, आपकी मोक्ष कारक है, श्रेष्ठ है, केवल इसके अभ्यास करने से आपकी 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आसन है जिससे 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध होती है, तो सिद्धासन के करने से होती हैं। यदि इसका नियमित 12 वर्ष तक आप अभ्यास करते हैं, प्रीमित आहार आप रखते हैं सिद्धासन, तो ये आपको निष्पत्ति अवस्था में प्राप्त करवाता है। निष्पत्ति अवस्था यहाँ पे योग की समाधि की अवस्था की बात स्वामी स्वात्मानंद करते हैं कि 12 वर्षों तक इसका अभ्यास किया जाए तो निष्पत्ति अवस्था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका नेट में भी आ सकता है, आपका QCA में भी पूछा जा सकता है, इसमें तीनों बंद भी इसमें आपके लग सकते हैं, इसलिए सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ आसन स्वामी स्वात्मानंद जी ने बताया है। जी सोमवीर जी हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से कॉल है। हेलो हेलो जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। मैम संजू सिंह जी अपना सवाल पूछिए आप। मैम ग्रोथ बढ़ाने और कौन सा आसन करना चाहिए ग्रोथ के लिए? बहुत अच्छा जी, जी। ग्रोथ के लिए जितने भी स्ट्रेचिंग पोज हमने बताए हैं जिसमें शरीर का संवर्धन होता है, जिसमें मत्स्येन्द्रासन है, जिसमें वक्रासन है, जिसमें धनुरासन है, जिसमें चक्रासन है, वो आप आसन कर सकते हैं जिसमें शरीर का खिंचाव होता है। जी तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, मेडिटेटिव पोज होते हैं, स्ट्रेचिंग पोज होते हैं और रिलैक्स के पोज होते हैं, यानी कि आरामदायक, ध्यानात्मक और संवर्धनात्मक। शरीर का संवर्धन करना है तो स्ट्रेचिंग पोज, जिसमें धनुरासन है, चक्रासन है, वक्रासन है, आपका मत्स्येन्द्रासन है, इस प्रकार के जो संवर्धन करते हैं शरीर का खिंचाव करते हैं, पश्चिमोत्तानासन है, उष्ट्रासन है, इनका अभ्यास करके आप ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मित्र को उनके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। मित्र यूं ही हमें कॉल करते रहें और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी ऐसी जिज्ञासा है जो भी पूर्ण नहीं हो पाई है तो आप जरूर हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सुमीर जी इसके बाद हम चर्चा करते हैं पद्मासन की। पद्मासन बहुत ही अच्छा है, ध्यानात्मक आसन है। पद्मासन को चार आसन ऐसे हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इनको स्वामी स्वात्माराम जी ने चार को विशेष रखा है, 15 को मुख्य बताया, 15 में से 4 को मुख्य बताया, 4 में से सिद्धासन को उन्होंने मुख्य बताया। पद्मासन का जैसे चित्र से भी आप देख पा रहे हैं, पद्मासन सामान्य जो हम करते हैं बाएं पैर को दाई जंघा पे, दाएं पैर को बाई जंघा पे हम रखते हैं, ये सामान्य पद्मासन होता है। दोनों हम कमर गर्दन को सीधा करते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें है, थोड़ा सा गर्दन को झुका करके करना है और बद्ध पद्मासन की जो स्थिति है दोनों हाथों को पीछे से ले जा करके, जैसे चित्र में आप देखेंगे दोनों आसनों को, दोनों पैरों को एक दूसरे के हाथ से पीछे से पकड़ेंगे, यानी कि दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, बीच से हाथों को क्रॉस करते हुए, इसको पद्मासन इसमें कहा गया है। जी सोमवीर जी हमारे अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैं ममता सांगवान बोल रही हूँ खरखोदा कन्या महाविद्यालय से। जी ममता जी, मैम मेरा सर से ये सवाल है कि जो ये पद्मासन है वो हठप्रदीपिका में और जो नॉर्मली जो प्रचलन है जी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हम कौन सा बेटर माने, कौन सा अच्छा है, ये कौन से की विधि अच्छी है?
जी ममता जी धन्यवाद सवाल। और मैम मेरा एक सवाल और भी है मैम, मेरा बेटा 8 साल का है, वो मतलब योगा लक्ष्य सांगवान, वो योगा में काफी इंटरेस्टेड है, तो मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ये आसन अपने बेटे से करवा सकती हूँ? जी बहुत अच्छा, दोनों सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि पद्मासन का जो टेक्स्ट में है और जो प्रचलन में है दोनों ही सही है ममता। उसमें आप बद्ध पद्मासन की स्थिति में करेंगे तो आपका और बॉडी स्ट्रेच होगी, ध्यानात्मक के साथ साथ आप स्ट्रेचिंग पोज भी इसको कर रहे हैं, यानी कि संवर्धनात्मक भी है और मेडिटेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। यदि आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और गर्दन को नीचे करते हैं तो जालंधर बंद आप अप्लाई करते हैं तो कंठ के रोग भी हैं वो भी आपके समाप्त होते हैं। ये भी बहुत अच्छा आसन, और जो सामान्य प्रचलन का आसन है वो भी बहुत अच्छा है पद्मासन, जिसको सामान्य हम पैरों को ऊपर रखते हैं, दोनों जंघाओं पे हम रखते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था कि आपका जो बेटा है लक्ष्य, वो 8 साल का आपने बताया, तो 8 साल का बच्चा पद्मासन बहुत अच्छे से कर सकता है, सिद्धासन बहुत अच्छे से कर सकता है, भद्रासन बहुत अच्छे से कर सकता है, सिंहासन उसके लिए बहुत अच्छा है, ताड़ासन उसके लिए बहुत अच्छा है, इस प्रकार से वृक्षासन उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसी एज में जब आप बच्चों को प्रेरित करेंगे आसनों के प्रति तो बहुत अच्छा होगा, और बिल्कुल आप कर सकते हैं इस आसन को, और 8 साल का बच्चा उपयुक्त होता है इसको करने के लिए। बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिले होंगे, बहुत सारे व्यक्ति चाह रहे होंगे कि हमारे बच्चे करें, उनको प्रेरित आप करें इसमें और इनके लाभ प्राप्त करवाएं। जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छा उनका कंसंट्रेशन बनेगा, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ पाएंगे, उनको याद होगा, इसलिए आप अपने बच्चे को भी करा सकते हैं और आप उसमें दोनों उसको कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और बच्चे को सामान्य रूप से आप उसको करवा सकते हैं। जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं, बताएं कहां से बोल रहे हैं और अपना प्रश्न पूछें। सीमा तिवारी जी, सीमा जी सवाल पूछिए अपना। हेलो सीमा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हां जी, मुझे हाइट बढ़ाने के लिए और जो फेस के जो ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है। हाँ जी जी समझ गए आपका सवाल, ये जानना चाहते हैं कि हाइट बढ़ाना चाहते हैं। पिगमेंटेशन हो जाते हैं जो रिंकल्स वगैरह, उसके लिए क्या कुछ जी? बहुत अच्छा, मैं पहले आपको हाइट बढ़ाने के लिए कुछ आसन बता देता हूँ, जिसमें आप ताड़ासन आप कर सकते हैं, त्रिकोण आसन आप कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, उष्ट्रासन, धनुरासन, चक्रासन और मत्स्येंद्रासन, ये आपको हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करेंगे। और इसके बाद जो आपने कहा रिंकल्स के लिए, वो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, शशांक आसन, रैबिट पोज उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पश्चिमोत्तानासन भी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठते हैं तो जो मुंह की जो लार होती है उसको रिंकल्स पे आप मलना शुरू करें, तो 1 मिनट तक यदि आप हल्की उंगलियों से मसाज आप करते हैं तो रिंकल्स आपके 2 से 3 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी लार होती है, स्लाइवा होती है, वो सबसे बड़ी औषधि होती है, उसको हम प्रयोग करेंगे तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे हम। जी और सोमवीर जी, पानी पीना, जिसे निरंतर कहा जाता है कि पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर पानी पीते रहेंगे तो पानी भी सिप कर करके पिएंगे तो आपका जो वजन है वो नियम अच्छा रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो आइडल आपका वजन होना चाहिए वो होगा। और पानी को सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीते हुए कैसे पीते हैं, एकदम से नहीं पीते, तो पानी को भी एकदम से नहीं पीना, सिप कर करके पीना। ये आयुर्वेद कहता है कि यदि आप पानी सिप कर करके पीते हैं तो 10 किलो तक आप वजन कम कर सकते हैं और 10 किलो तक आप वजन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप सिप करके पानी पीते तो आपकी बॉडी का जो वेट होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा, ये आयुर्वेद कहता है, हजारों साल पहले पुरानी बात कहेगी, इसको इंप्लीमेंट करने की आज आवश्यकता हमारे जीवन में है। जी अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें। मैं कुंदन राजस्थान से बोल रही हूं। जी अपना सवाल पूछिए। मेरे आसन के लाभ और सावधानी के बारे में जानना है। जी क्या बताया एक बार पुनः अपना सवाल आप बताएं हमें, तो सावधानियां किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? मयूरासन के लाभ। अच्छा, मयूरासन। हाँ, मयूरासन का लाभ मैंने जैसे आपको बताया, समस्त रोगों को का नाश करने वाला होता है, आपके जितने भी उदर गुल्म आदि जो रोग हैं, अधिक कुपथ्य आप भोजन आप कर रहे हैं, जो कई बार हम टेस्ट टेस्ट में बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, उसको दूर करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और विष को भी पचाने की, यानी कि विष को भी भस्म करने की इसमें ताकत है, ऐसा टेक्स्ट कहता है, हठप्रदीपिका कहती है। परंतु आप एक महिला है, लड़की है, तो इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए इस आसन को निषेध बताया गया है सामान्य प्रचलन में, टेक्स्ट में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन यदि वो करते हैं तो, क्योंकि जहाँ कोनियाँ हमारी लगती है यूट्रस का स्थान होता है, तो कि भाई यूट्रस अपने स्थान से हिल ना जाए, गर्भाशय को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए टेक्निकली एक अनाटॉमी के अकॉर्डिंग इसको निषेध बताया गया है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और लड़कियां इसको ना करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको निषेध है, यूट्रस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए लड़कियों के लिए ये निषेध आसन है और ये केवल लड़कों को ही करना चाहिए। जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा, और मित्रों यूं ही हमें कॉल करते रहें और इन लाइव सेशंस के भागी बनते रहें। जी सोमवीर जी, तो पद्मासन के बाद हम चर्चा करते हैं सिंहासन की।
सिंहासन जो आप देखेंगे जी, सोमवीर जी हम सिंहासन पर चर्चा करेंगे, इससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। हेलो। हेलो मैम जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें। जी मेरा नाम पवन है, मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी पवन, अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा सवाल है, दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मॉग हो रहा है और बनारस में भी काफी स्मॉग है, काफी पॉल्यूशन है, तो क्या ऐसे में योग करना क्या ठीक रहेगा, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखो योग करना बिल्कुल सही रहेगा, बहुत ज्यादा स्मॉग है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उसमें प्राणायाम आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है, कि प्राणायाम आप करते हैं तो वो बहुत सारा पॉल्यूशन आपके भीतर जा सकता है, तो इसमें आसन कर सकते हैं, आसन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राणायाम करने में यदि आप प्राणायाम आप कर रहे हैं तो आसपास आप घी का दीपक जला करके उस प्राणायाम को कर सकते हैं, इसलिए स्मोक के कारण, पॉल्यूशन के कारण आप अभ्यास को नहीं रोक सकते, इसलिए आसपास अपना जो इन्वायरमेंट है, आप जो मनी प्लांट होते हैं, जो इंडोर के जो होते हैं, उनको आप अपने घर में रख सकते हैं, घी का दीपक आप जला सकते हैं, उस माहौल में यदि आप प्राणायाम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसन तो आपको करने ही, आसन करने में किसी प्रकार की स्मोक की और पॉल्यूशन की कोई पाबंदी नहीं है। जी सोमवीर जी, ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे आसन ऐसे हैं या जब हम योग करते हैं तो सांस लेते और छोड़ते हैं, ऐसे में हमारे आसपास जब शुद्ध हवा नहीं है तो क्या ऐसे आसन करने से हमें नुकसान नहीं होगा? हाँ, लेकिन उसमें पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए मैंने कहा कि मनी प्लांट है या फिर बाहर जैसे बहुत सारे लोग तो नदी के किनारे या फिर कहीं जंगल में जाकर के योग करते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, हम बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पे जो छोटे छोटे मनी प्लांट हैं, जो इंडोर के जो पौधे होते हैं, या घी का दीपक आप जला सकते हैं, तो उस प्रकार का एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो उस माहौल में आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पोल्यूशन से आप बच नहीं सकते, क्योंकि हर जगह ही आजकल पोल्यूशन हो चुका है, इसके लिए अभ्यास नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोमवीर जी हमारे पास कुछ समय बचा है यहाँ पर, क्यों ना हम सिंहासन को पूर्ण कर दें। बिल्कुल, सिंहासन जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, सिंहासन दूसरा प्रचलन का दूसरा आसन है, हठप्रदीपिका में थोड़ा सा दूसरी तरीके से इसको बताया गया है, दोनों पैरों को फोल्ड करके क्रॉस करते हुए अपने लेग्स को पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आप घुटनों पर रखेंगे, गर्दन को थोड़ा सा झुका करके जिव्या को बाहर निकाल करके दहाड़ने का जो काम होता है वो आप करेंगे, जैसे चित्र में देख रहे हैं, इसको सिंहासन कहा गया है। सिंहासन भी बहुत ही अच्छा है, इसको श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित बताया गया है, कि श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजा गया यह आसन है और तीनों बंधों को इसमें सरलता से लगाया जाता है, ये सिंहासन की विशेषता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भद्रासन की, जो कि अंतिम आसन है हठप्रदीपिका का, 15वां जो आसन है। भद्रासन जैसे बटरफ्लाई हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, हम बटरफ्लाई करते हैं दोनों पैरों के पंजों को, तलवों को मिला करके, दोनों हाथों से उसको दृढ़ता से पकड़ करके, वो दोनों जो आपके घुटने हैं वो जमीन में आपको लगाने होते हैं, इस प्रकार का यदि अभ्यास करते हैं तो भद्रासन कहलाता है। भद्रासन सभी व्याधियों का नाश करता है, इसको गोरख आसन भी कहा गया है दूसरा सिद्ध योगियों द्वारा। इस प्रकार से यदि आप आसन करते हैं, तो मैंने 15 आसनों की चर्चा आपके सामने की और इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने किया। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसन करने के बाद स्वामी स्वात्माराम जी ने क्या कही। स्वामी स्वात्माराम जी ने सबसे पहले कहा कि आपको मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, आपको आरोग्यता प्राप्त होगी और आपके आपका जो शरीर है उसमें हल्कापन आएगा आसन के करने से, ये लाभ शुरू में बताए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप आसन करते हैं, आसन करने के बाद आप एक तरोताजा महसूस करते हैं, आपको सुख मिलता है, एक आपको इसने ने कहा कि जब आप आसन करते हैं तो वो आपको सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार की बात करते हैं, जब आसन करके सुख प्राप्त नहीं होता तो कहीं ना कहीं गलत किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करें, अच्छे से करें, आसन को मैंने बहुत बार आपको बताया है, उस विधि के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको आरोग्यता मिलेगी, आपको मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, आपको हल्कापन महसूस होगा और आप सुख की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार इस सेशन के माध्यम से हमें आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, आशा करते हैं आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा और आगे भी अन्य किसी आसन, किसी ऐसे योग के टॉपिक पे हम व्याख्यान लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तब के लिए नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का, जिनके माध्यम से एक बार फिर हमने आज योग विषय पर आप सभी के लिए लेक्चर आयोजित किया। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप सीसी के इन लेक्चर्स के माध्यम से लाभ प्राप्त करें, आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव हम इस सीसी की लाइव ट्रांसमिशन के माध्यम से आप सभी के सम्मुख हैं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।